अगर आप सरकार के नुमाइंदे हैं तो आपके लिए सात खून भी माफ हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सच है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है ब्रजभूषण शरण सिंह। सत्ता मेरे हाथ रहे, कुर्सी मेरे साथ रहे, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। फिर चाहे देश का भविष्य सड़कों पर इंसाफ की भीख ही क्यों न मांगता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। असम कुश्ती संघ गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करता है जिसमें वह कहता है कि 11 जुलाई को होने वाले कुश्ती महासंघ के चुनाव को रोक दिया जाए, क्योंकि इस चुनाव में असम कुश्ती संघ को वोटिंग का मौका नहीं दिया गया है। ऐसे में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी तो निर्वाचन अधिकारी महेश मित्तल ने भी कोर्ट के अगले आदेश तक WFI की चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल आएगा कि रोक तो हाईकोर्ट के आदेश पर लगी है, इसमें ब्रजभूषण का क्या रोल है। तो ब्रजभूषण के रोल को समझने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव होता कैसे है। तो आइए इस प्रक्रिया को सिस्टमैटिक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्य समिति में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और दो संयुक्त सचिव होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य का भी एक कुश्ती संघ होता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक महासचिव और कई अन्य पदाधिकारी होते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग कौन कौन कर सकता है ये भी जान लेना जरूरी है। WFI के निर्वाचक मंडल में देश के सभी राज्यों से दो दो प्रतिनिधि, केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक प्रतिनिधि, इसके अलावा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ब्यूरो का एक सदस्य, कुल मिलाकर 51 सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्यों से जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं उनमें राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष और महासचिव ही शामिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण का छोटा बेटा करण भूषण सिंह और बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण का दामाद विशाल कुमार सिंह है। 1 जून 2023 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भारतीय कुश्ती महासंघ के साथ मीटिंग हुई जिसमें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस महेश मित्तल को अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। 13 जून 2023 को निर्वाचन अधिकारी महेश मित्तल एक अधिसूचना जारी करते हैं जिसमें नियमानुसार सभी राज्यों से दो दो और केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक नाम चुनाव आयोग को भेजने को कहा गया, जिससे कि 11 जुलाई को होने वाले इलेक्शन को पूरा कराया जा सके। लेकिन अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी असम कुश्ती संघ ने एक भी नाम आयोग को नहीं दिया, जिसके कारण असम को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब इलेक्शन की डेट नजदीक आ जाती है तो असम कुश्ती संघ गुवाहाटी हाईकोर्ट में चला जाता है और चुनाव प्रक्रिया में शामिल न करने का आरोप लगाते हुए 11 जुलाई को होने वाले WFI के इलेक्शन को रद्द करवा देता है। ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह पिछले 12 साल से कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है और वो नहीं चाहता कि कुश्ती महासंघ का इलेक्शन कभी हो सके, लेकिन पहलवानों ने भी अब मन बना लिया है कि वो ब्रजभूषण से सड़क पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, क्योंकि सड़क पर ना तो सरकार उनकी सुन रही है और ना ही पुलिस। तो ब्रजभूषण के इस तानाशाह रवैये पर आपके क्या विचार हैं और क्या कभी पहलवानों को न्याय मिलेगा? अपनी राय मुझे कमेंट कर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।